सो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम विच इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट विद स्पेसिफिक एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है जिसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता हो, और उसी के साथ साथ हमें स्पेसिफिक एक्सेस मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से किसी एक को भी इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए पहले यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है कि आपके पास एक क्लास है, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, उसको आप इनहेरिट करवा रहे हो यहाँ पे क्लास बी के अंदर। तो क्लास ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके किसके पास आ जाएगी? क्लास बी के पास। ये तो हमें पता है कि इनहेरिटेंस इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे कि एक है प्राइवेट। तो प्राइवेट जो है वो क्या होता है कि आप अगर ए क्लास के डेटा अगर यहाँ पे प्राइवेट कर देते हो तो क्लास बी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन सेम वे अगर आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हो तो यानी इन दोनों के बाहर भी, यानी मेन मेथड के अंदर भी जाके हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक रूम है और रूम के अंदर एक चेयर है, राइट? तो आप वो चेयर को एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हो, तो वहां पे वो क्या हो गया? पब्लिक। लेकिन एक रूम के अंदर एसी है जो पहले से फिट किया हुआ है, तो आप दूसरे रूम में उसको नहीं लेके जा सकते, तो यानी वो क्या हुआ? प्राइवेट। व्हाट अबाउट प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड यानी जैसे कि सपोज आपका जो घर है उसके अंदर एक गार्डन है, राइट? तो वो गार्डन को कौन एक्सेस कर सकता है? आपके पेरेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं और वो गार्डन को आप भी एक्सेस कर सकते हो, यानी वो प्रॉपर्टी जो है वो आप और आपके पेरेंट्स जो है वही एक्सेस कर सकते हैं। आप दोनों के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? तो वो कहाँ पे आ जाता है? प्रोटेक्टेड में। तो चलो हम लोग उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिया। अभी मैं इसको नॉर्मली समझाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे क्लास है जिसका नाम है टॉप्स। टॉप्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे कि सपोज आप जानते हो स्टूडेंट है, फिर यहाँ पे फैकल्टी है, फिर काउंसिलर है, राइट? फिर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ये चीज आपको रहते हैं कंटेन, स्टूडेंट, फैकल्टी, काउंसिलर, राइट? तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप सबको पता है, ओके? तो यहाँ पे आप सबको पता है कि जब हर किसी को, जैसे लाइक स्टूडेंट का पोर्टल है, राइट, उसमें वो लोग लॉग इन करते हैं, फैकल्टी का पोर्टल है उसमें भी हम लॉग इन करते हैं, तो सभी को अलग अलग यहाँ पे पोर्टल मिला है जहाँ पे वो स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैं लॉग इन की फंक्शनैलिटी स्टूडेंट में भी दू, फैकल्टी में भी लू, काउंसिलर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी लू, तो मुझे एक ही कोड 4 बार लिखना पड़ेगा। मेरा काम क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिजी हो जाएगा, ज्यादा मुझे कोड लिखना पड़ेगा, राइट? लेकिन उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लेके आए कि हम चारों में लॉग इन है, तो चारों का जो लॉग इन कॉन्सेप्ट है वो मैं स्पेसिफिकली यानी यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट कर दू तो मेरा काम जो है वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और उसको ही, वही लॉग इन फंक्शनैलिटी को जब आप टॉप्स में से उसको इनहेरिट करवा दोगे अलग अलग क्लास में, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलो पहले इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, पेरेंट क्लास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट क्लास, क्लास का नाम है टॉप्स, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास डिफाइन किया। उसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर यानी टॉप्स, ये मैंने क्या कर दिया? कंस्ट्रक्टर। उसको हम पब्लिक मोड में लिखेंगे क्योंकि जैसे आप जानते हो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिक्लेयर इन पब्लिक मोड, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्टर। ये कैसा कंस्ट्रक्टर हुआ? डिफॉल्ट, यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उसको कॉल करेगा। अभी यहाँ पे हमने डिफाइन करे टॉप्स करके यहाँ पे क्या क्रिएट किया है? कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज। मैसेज यानी यहाँ पे वेलकम टू टॉप्स टेक्नोलॉजीज, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कंस्ट्रक्टर जो है उसमें अपने मैसेज पास कर दिया। चलो ये कंप्लीट हो गया।
अभी इसके बाद अपने चलते हैं आगे, जहां पे मैं क्या करने वाली हूँ, एक मैथड बनाने वाली हूँ, मैथड जो कॉमन रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्सेस क्या कर सकती हूँ कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आपने डिफाइन कर लिया वॉइड, वॉइड के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो जैसे सपोज लॉग इन, ठीक है, वो क्या करेगा आपके पास एक्सेप्ट करवाएगा, यानी मैथड विथ पैरामीटर्स, यानी हम लोग कुछ पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग ईमेल एंड स्ट्रिंग पासवर्ड, सही है। तो हमने यहाँ पे ये मैथड बना दी। अभी आप चाहो तो वो लॉगिन फंक्शनलिटी जो है वो यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो ये लॉगिन का लॉजिक अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटाबेस के साथ वर्क करवाना पड़ेगा। अभी हमारे पास तो कोई डेटाबेस है नहीं अभी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सी आउट, मैं सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो चले पहले ईमेल और यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे अपने ले ले पासवर्ड, ठीक है। चलो तो इतना पोर्शन जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये कंस्ट्रक्टर जो है वो हो गया, यहाँ पे लॉगिन मेथड भी बना दी है जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड जो है उसको भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। अभी मुझे एक और क्लास यहाँ पे लेना है, क्लास आप चाहे चारों में से कोई भी एक ले सकते हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो या फिर काउंसिलर हो, राइट। तो मैं यहाँ पे एक क्लास और दे रही हूँ, क्लास स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट करके क्लास लिया। अभी ये क्लास स्टूडेंट क्लास के अंदर हम इनहेरिट करवाएंगे, क्या करेंगे इनहेरिट। तो इनहेरिट कैसे होता है, कॉलन, कॉलन पेरेंट क्लास कौन सा है, टॉप्स, यानी इसे हमने क्या किया, इनहेरिटेंस करवाया यहाँ पे, और आप उसको पब्लिक मोड में इनहेरिट करवा रहे हो। पब्लिक मोड में इनहेरिट करवाने का मीनिंग होता है कि आप ये क्लास स्टूडेंट क्लास के बाहर जाके भी आप टॉप्स क्लास की प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट टॉप्स क्लास की प्रॉपर्टी अपने क्लास के बाहर जाके भी उसको एक्सेस कर सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको कार गिफ्ट की, यानी आपके पापा की जो प्रॉपर्टी थी वो आप एक्सेस कर रहे हो, आप वो कार आपके डायरिया जो है यानी आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ साथ आप उसको बाहर लेके भी जा सकते हो, यानी कि मेन जो फंक्शन है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वहां पे क्या हो जाता है, इसलिए हमने उसको कौन से मोड में इनहेरिट करवाया, पब्लिक मोड में। तो चलो इसको मैं इंप्लीमेंट करूं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास जो है उसका भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर ले हम लोग। तो कैसे, स्टूडेंट, ताकि दिखना चाहिए ना कि भाई हाँ स्टूडेंट क्लास है, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट सिस्टम, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया ऐसा डिस्प्ले करके। अभी अपने पास यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल, स्टूडेंट क्लास के पास उसके खुद के यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं पहले से यहाँ पे लेके रखे हैं, तो जैसे कौन से, तो स्ट्रिंग यहाँ पे ईमेल, अभी के लिए मैं कुछ स्टेटिक ईमेल एड्रेस ले रही हूँ, पहले से फिक्स है वो, स्ट्रिंग पासवर्ड और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी मेन मेथड में अपने ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, क्लास है, उसको इनहेरिट करवा रहे हैं, और किसमें लेके आ रहे हैं, मेन मेथड में। अभी ध्यान से आप देखो, क्लास टॉप्स, उसके अंदर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया, ये लॉगिन दिया, अभी मैं नीचे जाके इसको एक्सेस कर रही हूँ, तो कैसे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, तो मेन के अंदर जाके आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, स्टूडेंट का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ चाइल्ड क्लास, तो क्या करें, स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे। अभी क्या करेंगे, तो नॉर्मली ओबीजे डॉट, यहाँ पे जब आप डॉट लगाते हो तो यू कैन सी यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को अपनी खुद की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे दिखती ही है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी के अलावा उसको पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे विजुअलाइज हो रही है। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट लॉग इन, उसमें आप देख सकते हो आपको दो आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दी है, तो यानी कि ईमेल obj डॉट ईमेल वो अपनी करंट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ही सकता है, और यहाँ पे पासवर्ड। चले अभी मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, दैट्स इट। तो ये हो गया लॉगिन।
अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूं, तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, वेलकम टू टॉप्स टेक्नोलॉजी, देन स्टूडेंट सिस्टम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, वेलकम टू टॉप्स टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर था, राइट। उसके बाद अगर आपने ध्यान से देखा स्टूडेंट सिस्टम यानी जो स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर था, उसी के साथ ईमेल और पासवर्ड जो कि आपकी लॉगिंग सिस्टम के अंदर डिफाइन किया हुआ था। यानी अगर सपोज मान लो मैं फैकल्टी लेती तो आपको इतनी चीजें अगेन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप देख सकते हो मैंने करीबन यहाँ पे 10 से 12 लाइन का जो कोड है वो क्या कर लिया है, यहाँ पे सेव कर लिया है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है यूज कर सकते हो, जिसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा।